बारिश की वजह से बंद हो या किसी मैकेनिकल इशू की वजह से, अगर गाड़ी रोड पे बंद हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा क्वारी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में क्या होता है कि आप अपने कोई रोड साइड मैकेनिक को या दोस्त वगैरह को बुलाते हैं और वो आके गाड़ी टो करे, लेकिन अगर टो करने का सही तरीका आपको नहीं पता तो आप अपनी गाड़ी को भी डैमेज कर सकते हैं और ट्रैफिक को भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। स्पेशली क्या होता है कि अगर आप टोइंग केबल या जो टो पॉइंट्स हैं अगर वो सही नहीं लगाते, उसकी वजह से जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है आपके एक्सल डैमेज हो सकता है। कई लोगों को नहीं पता होता लगाना कहाँ पर है, तो उसे आपकी कंघी वगैरह पर भी काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है, और इसके अलावा आपके बम्पर्स वगैरह के नीचे जो टोइंग केबल है वो डैमेज वगैरह कर सकती है। सो आज के जो वीडियो है उसका टॉपिक यही है कि हाउ टू टो अ कार, अगर इनके साथ ही गाड़ी खुदा न खास्ता बंद हो जाए तो आपको पता हो कि आपने गाड़ी कैसे टो करके एक सेफ प्लेस में लेके जानी है। तो पहली चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना है कि यूजुअली क्या होता है कि जब गाड़ी बंद होती है ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर स्पेशली, आपको उसको न्यूट्रल करना नहीं आता। गियर्स उसके यूजुअली ऑटोमेटिक होते हैं, तो उसके इसके अंदर अगर इंजन ही ऑफ है तो पावर नहीं जा रही ट्रांसमिशन को, उसकी वजह से गियर नहीं शिफ्ट हो रहे। हमने इसके बारे में एक डिटेल्ड रिव्यू ऑलरेडी कर चुके हैं, आप पॉपअप पे क्लिक करके वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल में कैसे करनी है अगर वो स्पेशली ऑटोमेटिक है और इंजन ऑफ है। अच्छा, वीडियो पे आते हैं। तो जो पहली चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो है कि आपकी जो टोइंग केबल है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होने चाहिए और इतनी वो उसके अंदर कैपेसिटी हो कि वो अच्छा खासा लोड टो कर सके। अच्छा, जो केबल है उसके भी कुछ SOPs हैं। जब आपने टोइंग केबल लेनी है उसमें आपने ख्याल रखना है कि वो केबल 5 मीटर या 16 फीट से ज़्यादा लॉन्ग ना हो। उससे क्या होता है कि जो कंट्रोल होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और अगर आपने वो टोइंग केबल ले भी ली अच्छी क्वालिटी की और इस डायमेंशन से कम की ली है, तो उसके ऊपर क्या करना है, आपने एक रेड या वाइट कलर का एक कपड़ा सा लपेट देना है या उसे नॉट लगा लेना। उससे क्या होता है कि आपको पता चलता रहेगा कि ऑनगोइंग ट्रैफिक के अंदर आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, रोक किस तरफ जा रहे हैं, और आपको एक विजिबल कैबिन के अंदर ही बैठते हुए आपको एक आइडिया हो रहा होता है कि आपकी गाड़ी किस तरफ जा रही है। अच्छा, अब आपने जो टोइंग केबल है वो तो ले ली, लेकिन वो आपने कभी भी गाड़ी के नीचे एक्सल पे या कंघी वगैरह पे नहीं लगानी या किसी और जो अटैचमेंट है उस पर नहीं लगानी। गाड़ी को टो करने के लिए एक स्पेशल स्लॉट दी होती है गाड़ियों के अंदर, फ्रंट बम्पर के अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक स्क्वेयर शेप का या ट्राइंगल शेप का उन्होंने या सर्कुलर लेआउट के अंदर कोई स्लॉट दिया होता है जो उसको आप इजीली अपनी की से ऐसे करके खोल सकते हैं। अगर वो ओपन हो जाए उसके अंदर एक आपको जो एक स्पेस मिलती है जहाँ पे जिसको उर्दू में आम जबान में चूड़ियाँ कहते हैं वो बनी होती हैं फ्रेम के अंदर ही, उससे क्या होता है कि आप अपनी जो हुक है वो डायरेक्टली उसके अंदर अटैच कर सकते हैं। हुक अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है। वैसे गाड़ी के अंदर यूजुअली जो डिगी के अंदर उन्होंने कंपार्टमेंट दिया होता है जिसके अंदर कंप्रेसर वगैरह जैक पाना भी पड़ा होता है, उसके अंदर हुक ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर की तरफ से रखी होती है। आपने फिक्स करके एक दफ़ा चेक कर लेना है कि वो अच्छे तरीके से फिक्स हो गई है, वो कहीं से हेल वगैरह तो नहीं रही, क्योंकि इनकेस अगर वो रस्ते में जाते दोबारा खुल जाए तो दोबारा से वही सारी ख्वारी शुरू हो जाती है। अगर आपने एक दफ़ा कंफर्म कर लिया है कि वो अच्छी जगह पे प्लेस है, आपने जो आपकी डोनर कार है जिसने आपको टो करना है आपने उसके रियर साइड पे नीचे वाली तरफ एक हुक दी होती है, उसके अंदर भी उसके अंदर ये हुक चूड़ियाँ वगैरह वाली नहीं होगी, एक स्पेशली हुक एक बनी होगी जहाँ पे आप अपनी जो टोइंग केबल है वो जाके बांध सकते हैं। एक दफ़ा आपने चेक कर लिया है कि आपकी जो केबल है वो अपने जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स हैं उन पर सही तरह से फिक्स हो गई है, उसके बाद आता है गाड़ी को मूव करने का अमल। अच्छा, गाड़ी को मूव करते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अगर तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो आपने ये नहीं करना कि आपने टो करते जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आपने फासला तय कर लिया, उसमें ट्रांसमिशन जो होती है उसकी सेंसिटिव होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। उसके इसके अंदर अगर आप उसको ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए टो कर रहे हैं तो उसके जो गियर्स हैं या जिनको उर्दू में घरारियाँ भी कहते हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ सकते हैं और ट्रांसमिशन के वेयर एंड टेयर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आपने गाड़ी के ऊपर सारी चीज़ें जब फिक्स कर ली हैं, अब आपने गाड़ी को मूव करना है। अक्सर क्या होता है कि जो नई नई गाड़ी टो कर रहे होते हैं वो यूजुअली एक्सीलेटर पर प्रेस करते हैं और एक झटका सा लगता है अगली गाड़ी को, क्योंकि वो पिछली गाड़ी पर उस तरह जब टेंशन है उस तरह फोर्स ट्रांसफर नहीं हो रही होती। तो अगर आपको याद हो, एक सिंपल सी एग्जाम्पल है कि टग ऑफ वॉर के अंदर भी क्या होता है कि दोनों ओपोनेंट्स के जो रोप्स होती हैं उनके अंदर पहले टेंशन क्रिएट की जाती है ताकि दोनों तरफ जो लोड है वो इवन हो जाए, फिर उसके बाद फोर्स अप्लाई होती है। तो इसमें भी सेम फिनोमेना अप्लाई होता है कि आपने गाड़ियों को दोनों को इस फासले पे करना है कि जो उनकी रोप है ना वो बिल्कुल भी ढीली ना हो, उसके अंदर फुल टेंशन हो, ताकि जैसे ही अगली गाड़ी मूव करे उसका जो फोर्स है इनर्शी है वो पिछली गाड़ी में भी ट्रांसफर हो और वो भी मूव होने लग जाए। तो आपने इस बात का एक स्लो स्पीड के ऊपर तेज़ी से करेंगे तो झटका लगेगा और आपकी डेफिनेटली गाड़ी के ऊपर एक्सेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, फ्रेम भी डैमेज हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आपने गाड़ियों को सेट करना है एक सेट पोजीशन पे, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक स्लो स्पीड के ऊपर एक टेंशन क्रिएट कर देंगे, उसके बाद आपने स्लोली अपनी गाड़ी को मूव करना है डोनर कार को, तो आपकी जो फॉलोइंग कार है वो साथ साथ आने लग जाएगी। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ऐसे में अगर आपकी जो गाड़ी आपको टो कर रही है वो ब्रेक लगाती है तो आपने भी सडन ब्रेक नहीं लगाना है, या अगर वो ब्रेक नहीं लगा रही तो आपने कभी भी खुद से ब्रेक नहीं लगानी, उससे फिर आपको एक बैक फोर्स पड़ेगी जो अगली गाड़ी को भी ड्रैग करेगी, उसके इंजन को भी डैमेज करेगी और आपकी गाड़ी के लिए भी ठीक नहीं है। गाड़ी चलती जा रही है, आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप गाड़ी टो करते हैं तो यूजुअली जो आने वाली जो रीसेंट गाड़ी है उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, EBD जिसको कहते हैं, वो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होती है। अगर आपके जो इंजन टर्न ऑफ है तो यूजुअली क्या होता है कि आप ब्रेक्स पे प्रेस करते हैं अपना फुट तो एक दो दफ़ा तो ब्रेक लगती है लेकिन तीसरी दफ़ा नहीं लगती,
ऐसे ये आपने पहले प्रिपेयर होना है इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी का इंजन ही ऑन नहीं हो रहा, कोशिश तो करेंगे उसको ऑन कर लें, अगर वो नहीं ऑन हो रहा तो डेफिनेटली आपने अपने हैंड ब्रेक के ऊपर और स्पीड इतनी लिमिट करनी कि आप उस गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। हैंड ब्रेक आपने फौरन नहीं उठानी, नहीं तो गाड़ी स्किड कर जाएगी। आप स्लोली उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी फोर्स को आप अपने सिचुएशन के लिहाज से कंट्रोल कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने गाड़ी मूव करने लगी, फिर अब जब आपने गाड़ी स्टॉप करनी है तो आपने गाड़ी ऐसे स्टॉप करनी है कि अगली गाड़ी ने जब ब्रेक लगाई है और उसके बाद जब तक वो गाड़ी स्लो ना हो जाए या वो इतने कम डिस्टेंस पे ना आ जाए कि जो वायर जो टोइंग केबल है उसके अंदर जो टेंशन है वो डिक्रीज ना हो जाए, तब तक आपने ब्रेक नहीं लगानी। वंस यू अप्लाई द ब्रेक, गाड़ी स्टॉप हो गई है, तब आपने बिल्कुल जैसे इनिशियली बताई हैं चीज़ें वैसे ही उन चीज़ों को सबको रिमूव करना है और टोइंग केबल्स और हुक वगैरह को सेव कर रहना है। ये थी वो छोटी छोटी चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना है कि आप गाड़ी टो करें और सही तरीके से टो करें, ना आपकी गाड़ी डैमेज हो, आप एक अपने जो वर्कशॉप है वहाँ तक भी सेफली पहुँच जाएँ, ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब ना करें, तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। अगर आप इस क्वारी से बचना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी गाड़ी में एक्चुअली मसला क्या है, तो आप हमारी OLX मोटर्स कार इंस्पेक्शन सर्विस को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको एक्जैक्टली पता हो कि आपकी गाड़ी के अंदर इशू क्या है, आप उसको फिक्स करवा सकें। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो OLX मोटर्स के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स जिनमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम शामिल है, उनका सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ यूट्यूब पर जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच सकें। मैं हूँ आपका होस्ट OLX मोटर्स से चौधरी नुमान हबीब, मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।